Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from Testbook.com. Testbook लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र सवालों का होगा प्रहार जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार होंगे कई योद्धा हो जो भेदना चाहेंगे चक्रव्यूह को करके हर चुनौती को पार होंगे पुरस्कार अपार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जय कार अण भूमि है तैयार बस योद्धाओं का है इंतजार नमस्कार गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का testbook.com के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दिस इज ऋतुराज अवस्थी एंड गाइस शाम को बज गई हैं छः इट्स अ संडे राइट संडे को शाम को छः बजे आज हमारा शेड्यूल था जो मतलब लाइव सेशन है राइट right, लाइव सेशन शेड्यूल था कंप्लीट साइंस का तो गाइस आज की क्लास में हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे के सारे सब्जेक्ट्स का हम कंप्लीट स्टडी करेंगे कंप्लीट अध्ययन करेंगे तो सभी का स्वागत है जल्दी से आपको क्या करना है अपना अटेंडेंस मार्क कर देना है राइट अटेंडेंस को मार्क करने के बाद आपको सेशन को शेयर कर देना है गाइज सेशन को शेयर कर दीजिएगा और बैठ जाइएगा कॉपी पेन लेकर के आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है राइट वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज के सेशन में आपका पूरा साइंस का रिवीजन हो जाएगा राइट आज के सेशन में हम क्या करेंगे सो वी विल बी डूइंग द कंप्लीट साइंस रिवीजन ठीक है कंप्लीट साइंस रिवीजन करेंगे और आप लोग यहां पर आंसर करिएगा और सबसे लास्ट में चेक करिएगा आउट ऑफ वन ट्वेंटी आपके कितने क्वेश्चन यहां पर सही होते हैं राइट right? तो यहां पर देखिए कितने क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 120, 120 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं राइट right, आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पर जो है ना सही करते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा ठीक है ये आप पर डिपेंड करेगा, करेगा सबसे लास्ट में बताना और ध्यान रखना कि सही सही ही बताना सब लोग सब लोग सच बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही हुए हैं कितने नहीं सही हुए हैं यस yes, देवनाथ जी पीयू संजना सौरभ पूनम उमेश पल्लवी ऋतुजा मेघना दीनदयाल सभी का स्वागत है गई सभी को गुड इवनिंग तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को सेशन को शुरू करें उससे पहले देखिए नहीं कल क्लास नहीं हुई थी यस पूनम कल क्लास नहीं हुई थी मैंने आपको जो है ना अल्लाह बीवी <laughs> ये ये मतलब कहा साउदियाउदी से जुड़े हो क्या अल्लाह बीवी है तालिबानियों से बच करके रहना अफगानिस्तान उठा करके ले जाएंगे सराजीत ओके okay, अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम नाम लिया है कोई बात नहीं पियो सो so, देखो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जिन लोगों जो लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं मैसे कि सर कल क्लास हुआ था कि नहीं हुआ था मीन उन्होंने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सभी लोग यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा मेरी क्लास की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है डेली पी मिल जाते हैं क्वेज डिस्कशन इंटरेक्शन आप डायरेक्टली मुझसे कर सकते हैं राइट right? और पोल्स वगैरह एवरीथिंग तो ये टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है जरूर कर लीजिएगा नमस्ते आशीष स्वाति गुड इवनिंग जितेंद्र तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज प्रोपन्डेड बाई गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था यानी किसके द्वारा इस पर्टिकुलर नियम को दिया गया था राइट right? तो ऑप्शन है आपके सामने न्यूटन गैलीलियो कैपलर और कॉपर निकस इसका सही उत्तर अगर आप देखेंगे राइट आंसर क्या कहला जाएगा न्यूटन ठीक है न्यूटन इसका राइट आंसर कहला जाएगा इनका पूरा नाम अगर हम गाइस देखें तो पूरा नाम था पर आइसडेक न्यूटन और इनके द्वारा ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था ये कहता था ऑल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विथ फोर्स मतलब एक जितने भी ऑब्जेक्ट है ये एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड दैट फोर्थ इज प्रपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्टली प्रपोर्शनल था दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है टू द स्क्र ऑफ द डिस्टेंस दैट सेट देर सेंटर्स ठीक है मैथमेटिकली अगर आप देखो तो इसको कैसे दिया जाता था एफ इज इक्वल टू जी देखो सबसे पहले तो एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम वन एम टू मास ऑफ द बॉडी वन मास ऑफ द बॉडी टू अपॉन आर स्क्वायर ये दोनों के बीच के डिस्टेंस और जब प्रोपोर्शनल का उठाओगे तो हटाओगे तो एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ये था राइट right, यहां पर ये जो जी है ना गई जी का यहां पर क्या मतलब होता है दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कहलाता है ठीक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है जी और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस इलेवन के किलोग्राम स्क्वायर क्योंकि मास दो है और मीटर माइनस टू क्योंकि आर स्क्वायर कहां पर है आपका नीचे है ठीक है सॉरी यहां पर जब इसके बराबर निकालोगे तो ये यूनिट ऐसे निकालोगे आप देख लो यहां पर इस वाली वैल्यू को यहां से इरेज कर दें अगर हम तो मैं आपको यूनिट निकालना सिखा देता हूं ये बहुत छोटी सी है बट बहुत काम की चीज है राइट बहुत काम की चीज है कई बारी जो है ना रटी हुई चीजें आपको भूल जाती हैं है ना सो so, यहां पर आप इसको ऐसे निकालना जैसे जी बराबर राइट एफ बराबर था तो जी बराबर क्या हो जाएगा एफ और आर इधर चला जाएगा तो आर स्क्वेर अपॉन एम वन एम टू ठीक है ये यहां पर आ गया अब देखो इसकी वैल्यू कितनी थी सिक्स इन टू टेन टू दावर माइनस इलेवन फोर्स फोर्स को किस पे मीजर करते हैं न्यूटन में आर को किसमें मीजर करोगे मीटर स्क्वायर अपॉन मास दो बार है तो किलोग्राम स्क्वायर यानी ये इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस टू ठीक है आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है ना पूछा गया है द मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम इज गाइस यहां पर देखो मास नंबर होता क्या है राइट मास नंबर क्या होता है ये अगर आपको पता होगा तो आप यहां पर क्या कर सकते हो इसके बारे में बता सकते हो ठीक है एक्चुअल में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन जो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम को हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है और ये एक स्टेबल आइसोटॉप होता है हाइड्रोजन का सिंपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता लेकिन जो ड्यूटेरियम होता है ड्यूटेरियम में अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रोटॉन भी पाया जाता है इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है और यहां पर एक न्यूट्रॉन भी होता है तो द्रव्यमान संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी कैसे दो यहां ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या हो जाएगी क्योंकि इसमें एक क्या पाया जाता है प्रोटॉन प्लस एक यहां पर पाया जाता है न्यूट्रॉन तो इनका दोनों का वेट जो है ना ये कितना हो जाएगा दो हो जाएगा ठीक है मेघना अगर आपको ऐसा वो है ना तो बेटा जो टेलीग्राम चैनल के डाउट सेशन में आना मैं आपको लिंक दे दूंगा तो वो वीडियो देख लेना उसमें सारी चीज़ें मैंने करवाई हैं आगे देखिए टोटल डायमीटर ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इज डीएनए स्ट्रैंड का कुल ब्यास कितना होता है डीएनए स्ट्रैंड का टोटल ब्यास कितना होता है इसको अपन एंग में मेजर करते हैं और ध्यान रखना डीएनए जो है ना वो कुछ इस तरह से उनकी संरचना होती है कैसी डबल स्ट्रेंड संरचना होती है है ना डबल स्ट्रेंड होते हैं डीएनए में और यहां पर क्या लगे होते हैं यहां पर ये इस तरह से स्ट्रैंड्स जुड़े होते हैं डीएनए में ये इस तरह से यहां पर स्ट्रैंड्स जुड़े होते हैं इनको हम डीएनए स्ट्रेंड्स कहते हैं ठीक है तो इसका एक्चुअल में डायमीटर कितना होता है ये आपको बताना है एंगस्ट्रॉन्ग में होगा देखो एंग इसकी यूनिट हो जाएगी सारे जो यहां पर ऑप्शन है वो एंगस्ट्रॉन्ग में है जब आप इसके सही उत्तर को देखेंगे सो गाइस राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा डबल आई जो है ना ट्वेंटी एंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा राइस जोस इज हाई कंप्यूटर जी अच्छा तो गाइज यहां पर जो है ना इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम कहला जाएगा डीएनए जो है ना डीएनए का डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पूछा गया आपसे यहां पर व्हेन अ बुलेट इज फायरड फ्रॉम अ गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कनवर्टेड इनटू कभी भी जो अपन गन से फायर करते हैं ना बंदूक से तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है फायर करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसमें right? कन्वर्ट किस हो जाती है राइट वो किस कन्वर्ट हो जाती है जितेंद्र जी जीडी का जो है ना पेड कोर्स का जो भी ऑनलाइन प्राइस रहेगा कुछ हजार पंद्रह सौ के पंद्रह सौ के आसपास रहेगा उसमें ये कोड यूज कर लीजिएगा आर ए टू जीरो राइट आर ए टू जीरो कोड यूज करोगे ना तो आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल जाएगा जो भी ऑनलाइन प्राइस रहेगा ठीक है जो भी ऑनलाइन प्राइस रहेगा उसमें आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल जाएगा ये लगभग फिफ्टीन हंड्रेड टू टू थाउजेंड पंद्रह सौ से दो हजार के बीच में रहेगा आगे देखो इसका सही उत्तर कहला जाएगा गाइस काइनेटिक एनर्जी इसको हम गति झूर्जा कहते हैं कभी भी अगर हम गोली को गन से फायर करते हैं ना तो ज, न, मतलब गन चलाने से पहले उसमें जो काइनेट पोटेंशियल एनर्जी होती है गन चलाने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है आगे देखिए कैथोड रेज आर नोन ऑल्सो नोन एज कैथोड को के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है राइट right, जो कैथोड रेस है उनको किस नाम से जाना जाता है कौन सा पर्टिकुलर नाम यहां पर कैथोड रेस को दिया गया तो गाइस सही उत्तर आप देखिए इनको इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है कैथोड रेस को ठीक है कैथोड रेस को हम इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं गाइस जो कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन है इनमें नेगेटिव चार्ज होता है राइट right, कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है और जब इसकी डिस्कवरी की आप बात करोगे सो इसको डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा जे जे थॉम्सन के द्वारा जे जे थॉम्सन ने इनको जो है ना डिस्कवर किया था जे जे थॉम्सन के द्वारा डिस्कवरी किया गया था गाइस जब आप प्रोटॉन की बात करते हो तो प्रोटॉन में जो है ना पॉजिटिव चार्ज होता है राइट पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन को किसने खोजा था सो गाइस गोल्डस्टीन के द्वारा जो है ना इस प्रोटॉन को खोजा गया था बहुत सारी पुस्तकों में रदरफोर्ड दिया हुआ है लेकिन वो गलत है राइट right, आप एनसीआर की बुक देखिएगा उसमें आपको गोल्ड स्टीन मिलेगा गाइज आगे देखिए न्यूट्रॉन की जब हम बात करते हैं ना सो न्यूट्रॉन में जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था न्यूट्रल होता है ये न्यूट्रल होता है इसको खोजा किसने था इसको खोजा था जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था राइट right? आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि गईस देखो मानव का जो पाचन तंत्र होता है कभी भी अपन खाना खाते हैं तो भोजन डाइजेस्ट होता है तो भोजन का डाइजेस्ट होना क्या कहलाता है पाचन तंत्र कहलाता है पाचन तंत्र में पांच पर्टिकुलर स्टेप या पांच पर्टिकुलर स्टेप्स होता है या पांच स्टेप्स में पांच चरणों में ये पाचन जो है ना कंप्लीट होता है ठीक है पांच चरणों में ये पाचन क्या होता है कंप्लीट होता है तो ये पांच चरण जिनमें पाचन कंप्लीट होता है ये Uh, जो है ना तो किसके किसके मतलब कौन कौन से पांच चरण हैं एक होता है आपका डाइजेशन इंजेशन असीमुलेशन राइट फिर एबजॉबसन इंजेशन है ना तो इनका करेक्ट सीक्वेंस कहाँ पर लिखा हुआ है अब देखो गाइस सबसे पहले अगर अपन देखें तो अपन खाने को मुंह में क्या करते हैं इंजेशन करते हैं यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस पहले नहीं होती इंजेशन ये हो सकता है राइट एजेस्टन नहीं ये नहीं होगा एसिमुलेशन भी नहीं होगा यानी करेक्ट आंसर क्या कहला जाएगा सेकेंड वाला क्योंकि गैस देखो सबसे पहले क्या होता है अपन अंतरग्रहण करते हैं फिर डाइजेशन होता है डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है एसिमिलेशन इंजेशन यानी कोई भी चीज हमने खाया डाइजेशन यानी उसका जो केमिकल या मैकेनिकल किसी भी तरीके से जो है ना मतलब डाइजेशन होगा तो वो आ जाएगा और एब्जॉर्प्शन यानी उसमें जो भी पर्टिकुलर न्यूट्रीएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा एसिमिलेशन यानी उस न्यूट्रिय को बॉडी के उस पार्ट में पहुंचाया जाएगा जहां पर उसका रिक्वायरमेंट है और एजेशन का मतलब यहां पर क्या होता है उत्सर्जन राइट right? स्टूल जो होता है ना स्टूल के फॉर्म में यहां पर जो एनस है एनस से उसको क्या कर दिया जाता है सॉलिड पार्टिकल को बॉडी से इजेक्ट कर दिया जाता है राइट आफ्टर अ सॉवर ऑफ रेन अ रेनबो इज सीन आप सभी ने देखा होगा कभी भी अगर बारिश होती है कभी भी अगर बारिश होती है ना तो बारिश की बौछार के बाद जो इंद्रधनुष है ठीक है जो इंद्रधनुष है वो इंद्रधनुष हमें कहां पर दिखाई देता है ओके सो बिल्कुल यहां पर देखो आ, 150 फिफ्टी लाइक और मोटिवेशनल लाइन एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइन है आपको सुनने को जरूर मिलेगी जल्दी से यहां पर 150 कर दीजिए अगर आप तो इसका सही उत्तर कहला जाएगा अपोजिट टू द सन ऐसा क्यों होता है गाइस जैसे यहां से सनलाइट रिलीज होती है ना यहाँ से सनलाइट तो ये जब सनलाइट वो बारिश के जो पर्टिकुलर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकराती है तब जा करके यहाँ पर वो सेवन कलर हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है ठीक है आगे देखिए गाइस अकॉर्डिंग टू डॉल्टन एटॉमिक थियोरी द स्मॉलेस्ट इनिविजुअल पार्टिकल ऑफ कॉल्ड डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कणों को क्या कहा जाता है Guys, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा राइट right? एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा देखो क्या है ये जो होते हैं ना जो लोग इन सेशंस को मतलब ऑफलाइन बहुत लोग देखते हैं बट अगर आप लाइव देखते हो ना सेशन को तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं ऑफलाइन के बाद अगर आप जो है ना कमेंट में डाउट लिखते हो तो कई बार वो डाउट अगर मैं देख लेता हूँ तो आंसर कर देता हूं कई बार मैं नहीं कर पाता इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइव आने की कोशिश क्या करिए और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा गाइस अभी अगर सेशन को देख लोगे और फिर अगर एग्जाम देने जाओगे राइट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा यार वाकई okay, हमने मतलब जो है ना सही डायरेक्शन में पढ़ा था एक अच्छा डायरेक्शन लिया था अगर आफ्टर द एग्जाम अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखोगे और उस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपको मिले थे वो अगर आपको इस वीडियो में मिले तो फिर आप पछताओगे कि किस मैंने एग्जाम से पहले ये सेशन देखा होता तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए उसको अभी से क्या करिए उसको अभी से देख लीजिए ठीक है चलिए गाइस तो शेयर जरूर करना सभी लोग अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अकॉर्डिंग टू डॉल्टन एटॉमिक इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर जिसे हम क्या बोलते हैं एटम कहते हैं राइट right? एटम यहां पर क्या कहला जाता है डॉल्टन का सबसे छोटा अविभाज्य कण कहला जाता है इंडिविजुअल का मतलब होता है जिसे हम और फर्दर डिवाइड ना कर पाए ड्रिया हैस देखो ये राइबोसोम कहलाते हैं कौन सा राइबोसोम होता है राइबोसोम होता है सेवन डिवाइडेड होता है थ्री जीरो फाइव जीरो एस में और ये फर्दर डिवाइडेड होता है आपका फोर uh, जीरो और सिक्स जीरो एस में ठीक है तो जब हम जब हम यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे ना तो यह हमको सेवन जीरो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है माइटोकांड्रिया को गाइस पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का पावर हाउस शक्तिग्रह भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसको कोशिका का सक्तिग्रह उसको कोशिका का सक्तिग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका के लिए जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है वो यहीं से मिलती है एटीपी के फॉर्म में एटीपी को क्या कहते हैं अपन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट राइट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं अपन इसको आगे बढ़ते हैं गाइस द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज जो सॉलिड एंगल है उसका यूनिट क्या होता है जब आप फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं ना तो फंडामेंटल यूनिट्स दो तरीके की होती हैं राइट फंडामेंटल यूनिट्स आपकी दो तरीके की होती हैं एक तो जो है ना मतलब आपकी मेन यूनिट होती हैं राइट right, और दूसरी आपकी क्या होती है डिराइव्ड यूनिट होती हैं राइट फंडामेंटल और डराइव यूनिट होती हैं तो ये होती हैं सात है ना और सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी होती हैं आपकी दो और डिराइव यूनिट तो अनलिमिटेड है तो इनमें अगर आप देखिए सो सॉलिड एंगल जो है ना इसका इकाई क्या होता है स्टेरेडियन

उससे किसको पाया जाता है ये आपको बताना है तो गाइज अगर आप लोगों के हंड्रेड पूरे हो जाएंगे ना तो मैं यहाँ पर कुछ ट्रिक्स भी आपको बताते चलूंगा बीच बीच में और वन फिफ्टी के बाद आपको जो है ना बहुत सारी मोटिवेशनल लाइंस मिलेंगी सो दैट यू गाइज कैन मोटिवेट और आपका जो है ना ध्यान बाकी की चीजों से भटक करके वापस से फोकस हो सके आपकी पढ़ाई पर इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा गाइज रेन कहा जाता है इसको रियॉन को वुड पल्प से मतलब जो है ना ऑप्टेन किया जाता है रियॉन जनरेट होता है फाइबर एक जनरेटेड फाइबर होता है जो किससे बना होता है आपका जो बना होता है नेचुरल सोर्सेस जैसे वुड हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गए उनसे राइज इन सुगर लेवल इज डिटेक्टेड बाई द सेल अगर सेल में शुगर का लेवल जो है ना इंक्रीज हो रहा है राइज हो रहा है तो ये कैसे पता लगाया जाता है सुगर का लेवल अगर सेल्स में बढ़ रहा है तो इस बात का पता कैसे लगाया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा गाइस बीटा राइट बीटा यहां पर आप सभी जानते हो अल्फा बीटा और गामा तीन तरीके की सेल होती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? आइलेट ऑफ द लैंगर में पाई जाती हैं राइट आइलेट ऑफ द लैंगर हैंस में अल्फा बीटा और गामा तीन तरह की सेल्स पाई जाती हैं तो जो बीटा सेल्स हैं, इनके द्वारा जो है ना सुगर लेवल को पता लगाया जाता है अगर सुगर लेवल ज्यादा होता है तो कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन राइट इंसुलिन लगता है आगे देखिए अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन डायरेक्शन एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा दिशा में संरेखित होता है वेरी गुड गाइस तो 150 प्लस हो चुके हैं लेकिन अभी तक अटेंडेंस नए व्यूवर्स जितने भी हैं गाइस वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा राइट right? नए व्यूवर्स जितने भी है अटेंडेंस मार्क कर जरूर करिएगा वीडियो को लाइक करके तो यहां पर देखिए आपसे पूछा गया स्वतंत्र रूप से जो निलंबित चुंबक है हमेशा किस दिशा में ये नॉर्थ से साउथ दिशा में संरेखित होता है राइट right? नॉर्थ से साउथ दिशा में संरेखित होता है एक्सटेंसिव यूज नाइट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इस व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है तो इसका गाइज आप राइट आंसर देखिए यूरिया इसको कहा जाता है राइट दिस इज कॉल्ड एज द यूरिया यूरिया कहा जाता है और सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजीनियस फाइबर है जो फर्टिलाइजर है वो यूरिया आप देखिए कभी भी खेती वगैरह जब होती है ना तो किसान किसका इस्तेमाल करते हैं यूरिया का ही वो इस्तेमाल करते हैं ठीक है यूरिया का ही वो इस्तेमाल करते हैं जब आप यहां पर जो है ना बाकी की चीजों को देखोगे तो इनका यूटिलाइजेशन बहुत कम किया जाता है यूर, जो सॉइल हेल्थ होती है ना सोइल हेल्थ पर डिपेंड करता है हमें क्या करना है यहां पर एक चीज ध्यान रखना गाइस ये जो लिखा है ना आर ए ये नहीं है ये क्या है आपका आर ए टू जीरो ठीक है तो व्हाट सब्सटेंस इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द गॉल ब्लेडर पित्ताशय में कौन सा पदार्थ और केंद्रित होता है लिम्फ, वाटर, ब्लड और बाइल तो इसका राइट आंसर कहला जाएगा गाइस बाइल जूस ठीक है बाइल जूस की बात हो रही है कभी भी देखो आप जब खाना खाते हो ना तो भोजन का डाइजेशन कैसे होता है ये बाइल जूस वगैरह जो है ना जो ये फैट को डाइजेस्ट करता है गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी में पाया जाता है पियर सेब्ड एक ऑर्गन होता है लीवर में और यही स्टोर करता है बाइल को जो किसके द्वारा बनाया जाता है बाइल जूस बनाया जाता है लीवर के द्वारा स्टोर किया जाता है गोल ब्लैडर के द्वारा और ये डाइजेस्ट करता है फैट को गाइज ब्लड की बात करेंगे आप तो ब्लड किसको कैरी करता है ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिय को लिविंग सेल में और ये जो है ना मतलब उनको बॉडी के अलग अलग पार्ट तक लेकर के जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट से लेकर के हार्ट तक आता है लिम्फ की आप बात करेंगे तो लिम्फ एक सिस्टम होता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है राइट और बचा हुआ वा वाटर पानी तो जल ही जीवन है सभी जानते हैं आगे देखिए ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज द ह्यूमन आई वर्क मानव नेत्र निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं Dispersion of light, reflection, reflection, scattering. तो इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा राइट right आंसर जब आप यहां पर देखेंगे सो दिस इज वर्क ऑन द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट यानी कि ये प्रकाश के अपवर्तन पर वर्क करता है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट गाइज यहां पर देखो बेसिकली जो लाइट रे होती है ना ये आपका डिफ्लेक्ट होती है या जो भी पर्टिकुलर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे जब रेटिना पर लैंड होती है ना तो ये पास होती है बहुत सारे मीडियम जैसे यहां पर मीडियम में आप देखो तो कॉर्निया हो गया क्रिस्टलाइन लेंस हो गए एक्वस ह्यूमर हो गया लेंस हो, हो गया तो ये क्या हो जाता है आपका रिफ्रेक्ट हो जाता है अपवर्तित तो हो जाता है बॉन्ड फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड तत्व तो के परमाणुओं के बीच साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित आबंध को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जय श्री महाकाल जय महाकाल जी सो ये विक्टोरिया भैंस कहा आ रही है इसमें तुम्हारे कमेंट में तो गाइज इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा दिस इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग की बात करी गई है राइट right? शेयरिंग की बात यहां पर करी गई है तो गाइज में क्या होता है शेयरिंग में ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और यहां पर ये क्या बना बन जाते हैं आपके स्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं अगर इनमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये अनस्टेबल हाइड्रोजन होते हैं हाइड्रोजन का जो मणु बनता है तो इसमें दो हाइड्रोजन आ जाते हैं पीट मॉस इज द कॉमन नेम ऑफ पीट मॉस पीट मॉस जिसको काई कहा जाता है ये वाटर वगैरह में सबसे ज्यादा पाई जाती है तो ये कॉमन नेम किसका right? कॉमन नेम कहलाता है अच्छा आज भैंस खरीदे हैं वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू भैंस जोक्स पार्ट गाइज राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा पीट मॉस अगर आप देखें सो इसको बोलते हैं अपन स्फैगनम राइट पीट मॉस को यहां पर क्या कहते हैं स्फैगनम कहते हैं ठीक है ठीके? तो यहां पर देखो ये स्फैगनम क्या कहला जाएगा इसका अदर नाम कहला जाएगा पीट मॉस का द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेस्ट टू स्टेट रेस्ट एज अंडरस्टूड एज विराम अवस्था में रहने वाली वस्तु के विराम अवस्था में रहने के गुण को समझा जाता है राइट right, क्या समझा जाता है क्या कहते हैं कैपिलरी इनर्सिया रेसिस्टेंट इलास्टिसिटी इससे रिलेटेड जो है ना एक पर्टिकुलर एक्ट भी आता है एक्ट सॉरी एक पर्टिकुलर लॉ भी आता है नियम भी आता है और उसे अपन क्या बोलते हैं इनर्सिया दो तरीके का होता है ये जडत्व कौन कौन से दो तरीके का इनर्सिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्सिया ऑफ मोशन ये दो तरीके का होता है ठीक है जब आप इनर्सिया ऑफ रेस्ट की बात करोगे तो अगर कोई भी चीज रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए और मोशन की मोशन का मतलब होता है कोई भी चीज अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए राइट सो ये आपका क्या कहला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया कहला जाता है देयर इज आर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना ये कितने प्रकार के होते हैं यस वेरी गुड राकेश जी न्यूटन का फर्स्ट लॉ था अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ना ये प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो अपोज करती है राइट right, अपोज करती है अलाउ नहीं करती करंट को फ्लो होना तो वो आपका क्या कहला जाता है वो कहला जाता है आपका रेजिस्टेंस कैपलरी जो है ना ये रिजल्ट होती है सरफेस और इंटरफेशियल फोर्सेस का इलास्टिसिटी ये एक एबिलिटी होती है एलेबिलिटी ऑफ अ डिफॉर्म्ड मटेरियल बॉडी जो अपनी मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है डिफॉर्म हो जाती है और फोर्स हटाने पर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है लो चार ऑप्शन हो गए इसका सही उत्तर आप देखिए सो दो यहाँ पर राइट right आंसर कहला जाएगा टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके के होते हैं कौन कौन से एक जिनको कहा जाता है इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर और दूसरा जिनको कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर ठीक है इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर ये दो तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ठीक है ठीके? जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो ये फॉर्म होता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो सेम या डिफरेंट कंपाउंड के होते हैं जैसे राइट सेम या डिफरेंट कंपाउंड के होते हैं और इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है कि ये फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन एटम के बीच में ठीक है आगे देखिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आर ईयर द कैन बी फोल्डेड एक प्रकार के संयोजी ऊतक की उपस्थिति के कारण हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है कान अपन फोल्ड कर पाते हैं ना तो वो कौन से पर्टिकुलर उसकी वजह से फोल्ड कर पाते हैं वेरी गुड सचिन जी वेरी गुड इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा दिस इज कॉल्ड एज द कार्टिलेज राइट कार्टिलेज कहा जाता है कार्टिलेज टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं जिसके कारण हम जो हमारे ईयर्स हैं जो हमारे कान है उनको हम क्या कर पाते हैं फोल्ड कर पाते हैं ठीक है कार्टिलेज मतलब दैट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू राइट और इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है कान में इसी कारण कान फोल्ड हो जाता है जब आप बोन्स की बात करोगे तो हड्डियां आप सभी जानते हो जो हमारे शरीर के स्केलेटन सिस्टम को बनाती हैं लेगामेंट जो है तो ये आपके बोन को बोन से अटैच करती हैं और टेंडन जो है ना टेंडन मसल को बोन से अटैच करता है ये अटैच करता है मसल को बोन से और जो ये लेगामेंट है लेगामेंट अटैच करता है किस चीज को बोन को बोन से आगे देखो द लाइन दैट ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है तो गई सारे मैंने बता दिए हैं एक बार सभी लोग यहां पर सेशन को शेयर जरूर करेंगे राइट और जो लोग नए जुड़ रहे हैं ना स्पैमर का फोल्ड कर दो अच्छा नहीं नहीं कोई इश्यू नहीं है व्यक्ति का जो आ, मतलब बिहेवियर है वो बताता है कि उसका व्यक्तित्व तो कैसा है राइट व्यक्तित्व तो कैसा है और यहां पर जो व्यक्ति का बिहेवियर है ये बहुत ज्यादा जो आप सुबह से शाम तक चीजें करते उस पर डिपेंड करता है राइट एक बात कही जाती है बात ये कही जाती है कि अगर आपका जो एक अंतिम उद्देश्य ऑफिसर बनना था ऑफिसर बनना था और आप अभी तक ऑफिसर नहीं बन पाए हैं इट मीन सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक जो भी आप वर्क करते हैं राइट right? जो भी आप वर्क करते हैं वो उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सफिशियंट नहीं है ठीक है ना डरा ए वक्त नाकाम होगी तेरी हर कोशिशें तूफान के समंदर में खड़े हैं दुआओं का लश्कर लेकर के वेरी गुड सो so, गाइस पर 150 कंप्लीट हो चुके हैं चलिए अपन बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या कहला जाएगा दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल कभी भी अगर आप यहां पर जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हो स्फेरिकल मिरर के तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कहा जाता है दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सेस कहा जाता है गाइस सिर्फ दो मिनट लूंगा मैं आपका राइट दो मिनट लूंगा मैं आपका यहां पर देखिए आप सभी लोग अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है राइट आपके पास एक सुनहरा मौका है एस लाइव कोचिंग वन ईयर कोर्स एक साल का पूरा कोर्स है यहां पर आपको बेसिक से एडवांस सारी चीजें मिलेंगी बेसिक से एडवांस सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी राइट इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस 400 से ज्यादा 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट यहां पे आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको याद है वो आप टेस्ट से एनालाइज करेंगे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी डिटेल्ड में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे कोई भी डाउट होता है तो गाइज आपका जो डाउट प्लेटफॉर्म है उस डाउट प्लेटफॉर्म में आपको विद इन वन आवर बाई द बेस्ट एक्सपर्ट्स आपको जो है ना उसका आंसर मिलेगा और अगर आप ये चाहते हो कि मैं ही आंसर करूं सो so, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के डिस्कशन सेशन में आकर के आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं ठीक है एट ट्रिपल लाइन का बैच है और यहां पर आप देखिए अभी ये बैच आपको ट्रिपल लाइन में दिया जा रहा है अगर आप इसमें कोड यूज करते हो आर एट जीरो सो यू विल गेट ट्वेंटी परसेंट ऑफ आपको बीस परसेंट का जो है ना तो ऑफ भी मिल जाएगा राइट एंड दीज आर द फैकल्टी जो आपको इस पर्टिकुलर बैच में क्या करेंगे इस पर्टिकुलर बैच में आपको जो है ना तो गाइड करेंगे आगे देखिए करंट अफेयर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी और रेलवे के लिए करंट अफेयर और जो करंट अफेयर लाइव कोचिंग है जिसमें आपको 2021 का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर राइट जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का 360 डिग्री एग्जाम प्रिपरेशन लाइव क्लासेस प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स अगेन डाउट सेशन विद इन 1 आवर और ये वन ट्रिपल नाइन का बैच है अभी आप इसको अगर परचेस करते हैं तो फोर डबल नाइन और इसमें भी आप ये आर ए टू जीरो करते हैं सो तो यू विल गेट ट्वेंटी परसेंट ऑफ राइट बीस परसेंट ऑफ आपको यहाँ पर मिलेगा एक चीज और का यहां पर ध्यान रखिएगा एक चीज और ध्यान रखिएगा ये जो आर ए टू जीरो कोड है ना आप कोई भी टेक्स्ट बुक सेलेक्ट में बैच परचेस करिए आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा ही राइट right? और दिस इज मी एंड माई प्रोफाइल और जो मैं डाउट सेशन की बात कर रहा था ना जो डाउट प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था सर ये डाउट प्लेटफॉर्म जो है ना तो ये है आ, आपको गोपिका खुराना मैम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगी इस पर्टिकुलर बैच में गोपिका खुराना मैम सो यहां पर देखो आप जो है ना इस डाउट सेशन में अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो ट्वेंटी फोर प्लस सेवन आपको एक घंटे के अंदर रिप्लाई मिलेगा बाय द बेस्ट एक्सपर्ट्स राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है राइट right? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है प्रोसेस ऑफ सेटो फ्रॉम वीट एटसेट्रा इज कॉल्ड पानी से अशुद्धता दही से मलाई गेहूं से छोटे पत्थर इत्यादि को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बहुत आसान है ये प्रश्न बहुत आसान है और यहां पर इतना आसान है ये प्रश्न की जो है ना आप तुरंत इसको आंसर कर सकते हो विक्टोरिया इट डिपेंड्स की वहां का कट ऑफ कितना जाता है राइट right? इसका सही उत्तर आप देखिए राइट आंसर कहला जाएगा सेपरेशन प्रथक्करण जिसको अपन कहते हैं राइट right? ये जो है ना इंप्योरिटीज को क्या करना अगर मिला रहे होते तो मिक्सचर सेपरेशन तो सेपरेट कर रहा है तो सेपरेशन फिल्ट्रेशन जहां पर फिल्टर का यूज किया जाता है और उर्दोपातन सब्लिमेशन कहलाता है जेलिफिश गीवाई क्यू है पीवाई क्यू मीन वे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेलीफिस वाला ये पीवाई क्यू है क्वेश्चन आपका एज एटेस पूछा गया है राइट right? तो जेलीफिश किस प्रकार के फाइलम का उदाहरण है तो जेलीफिश आपको ध्यान रखना है कि ये फाइलम सिनेडिया राइट फाइलम सिनेडरिया से बिलोंग करती है जेलीफिश को एक्चुअल में इनवर्टिब्रेट कहा जाता है इनवर्टिब्रिट का मतलब क्या होता है जो जेलीफिश है ना ये आपकी विदाउट स्पाइनल कॉर्ड होती है विदाउट स्पाइनल कॉर्ड राइट बिना स्पाइनल कॉर्ड की होती है ये जेलीफिश। ठीक है तो यहां पर जो है ना आ, मतलब इनवर्टरेट है नोफिस प्रेशर दाब जिसको अपन कहते हैं सिंपल सा है पानी में कंकड़ डले हैं तो या तो ऐसे हाथ डाल करके निकाल लो या उस कपड़ा लगा करके पानी गिरा दो कंकड़ अलग हो जाएंगे पानी अलग हो जाएगा हा प्रेशर की बात करें तो राइट आंसर क्या जाएगा थ्रस्ट अपॉन एरिया गाइस जितना भी पर्टिकुलर थ्रस्ट का मतलब होता है जो भी फोर्स अप्लाई किया गया कितने एरिया पर अप्लाई किया गया इस पर डिपेंड करता है प्रेशर राइट अगर आपका थ्रस्ट ज्यादा है फोर्स अगर ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा फोर्स अगर कम है तो प्रेशर आपका कम होगा राइट right? अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा कम होगा अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा आगे देखिए वन ऑफ द फॉलोविंग इज अ पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है नेचुरल पॉलीमर का मतलब क्या होता है प्राकृतिक बहुलक है राम राम आर्मी अविनाश सॉरी अवनीश तो इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा गाइस जो सिल्क होता है ना सिल्क को हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं राइट नेचुरल पॉलीमर का मतलब होता है ये आपके नेचर में नेचर मतलब ये आपके कहां से लिए जाते हैं नेचर में ओरिजिनेट होते हैं और इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ये क्या कहला जाते हैं आपके सिल्क कहला जाते हैं सिल्क एक नेचुरल फाइबर है नेचुरल पॉलीमर है राइट right, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स राइट आपके सामने कंसीडर किए गए हैं फॉलोइंग पेयर्स और यहां पर जो है ना इनमें से क्या बताना है आपको करेक्ट कौन कौन से प्लेयर वो जो है ना तो क्योंकि यहां पर देखो आपको प्लांटी दिया गया है यहां पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है राइट तो करेक्ट क्या क्या है ये आपको बताना जैसे थैलोफाइटा की अगर अपन बात करते हैं डू नॉट हैव द वेल डिफ्रेंसिएटेड बॉडी राइट तो थैलोफाइटा तो बिल्कुल यहां पर सही है क्योंकि इसमें डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं पाई जाती ब्रोफाइटा जो है ना तो स्पेशलाइज टिश्यू नहीं ये गड़बड़ है राइट ये गड़बड़ है ब्रोफाइटा आपका और टेरिडोफाइटा दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स ये बिल्कुल सही है है ना सो so, यहाँ पर जो है ना कौन सा राइट आंसर होगा वन एंड थ्री वन एंड थ्री यहां पर क्या है आपके राइट right है बाकी यहां पर गड़बड़ है टाइप ऑफ ऑफ मिरर इज इन द हेडलाइट व्हीकल व्हीकल की जो हेडलाइट है उसमें किस तरीके का मिरर उपयोग किया जाता है व्हीकल आप सभी जानते हो जैसे मोटरसाइकिल हो गया कार हो गया राइट right कार हो गया मोटर बाइक हो गया ये सब आपके व्हीकल कहला जाते हैं तो इनमें जो है ना एक ग्लास लगा होता है इस तरीके का एक कांच लगा होता है जिसमें आप पीछे देखते हैं इस ग्लास में लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे तो ये कौन सा ग्लास होता है तो इसे गाइस हम कहते हैं राइट आंसर क्या कहला जाएगा कॉनकेव राइट कॉनकेव मिरर कहला जाएगा यानी कि अवतल दर्पण कहते हैं हम इसको ठीक है अवतल दर्पण इसमें पीछे की जो पर्टिकुलर चीजें होती हैं बहुत बड़े एरिया को छोटा करके दिखाया जाता है तो ये आपका क्या कहला जाता है अवतल दर्पण नेल पॉलिस रिमूवर कंटेन नेल पॉलिस रिमूवर में क्या होता है पेट्रोलियम ईथर बेंजीन, एसिटिक एसिड एसीटोन क्या पाया जाता है 6 बजे मनदीप कुमार जी 6 बजे लाइव आते हैं डेली छह बजे क्लास होती है इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा एसीटोन इसका राइट right आंसर कहला जाएगा जो नेल पेंट पॉलिश रिमूवर है इसमें क्या कंटेंट होता है तो इसमें जो है ना एसीटोन कंटेंट पाया जाता है एसीटोन यानी इसको सी थ्री एच सिक्स ओ राइट ये आपका जो है ना एसीटोन कहलाता है आगे बढ़िए विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन द एबजॉर्सन ऑफ वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अभी मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है डाइजेशन की प्रोसेस यानी जो पाचन की प्रक्रिया होती है ये आपके पांच स्टेजेस में होती है राइट ये पांच स्टेजेस में होती है तो इनमें से कौन सी स्टेज है जहां पर अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लवणों के अवशोषण में सहायता करता है तो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है ना लार्ज इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना उसको लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उससे सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्व करके वो क्या कर देता है उसे सॉलिड स्टूल बना देता है और वही फिर हम बॉडी से क्या कर देते हैं एजेक्ट कर देते हैं सो गईज यहां पर देखिए दिस इज द टेलीग्राम चैनल जो टेस्ट बुक एस रेलवे यहां पर जो है ना एस रेलवे की जितनी भी क्लासेस होती हैं राइट right, वाइटी पर एस रेलवे की जितनी भी क्लासेस होती है उन सब का पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाई सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचती है नहीं स्मॉल में किसी का नहीं होता है लार्ज एंड राइट आंसर इसका क्या कहला जाएगा सही उत्तर यहां पर कहला जाएगा रेडिएशन जिसको अपन विकरण बोलते हैं राइट right, रेडिएशन इसका राइट आंसर कहला जाएगा रेडिएशन के द्वारा जो है ना सनलाइट पृथ्वी तक पहुंचती है सोडा एसिड फायर एक्सचेंजर कंटेन फायर एक्सचेंजर का मतलब होता है ना आग को बुझाने वाला राइट right, आग को बुझाने वाला है ना तो यहां पर जो आपका सोडा एक्सचेंजर है राइट right, ये क्या कंटेन करता है सोडा अम्ल अग्निशमक में होता है कितना राइट आंसर सल्फ्यूरिक एसिड और ऑफ़ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं गाइस द सेक्स ऑफ एन ऑस्प्रिग इज डिटरमाइंड बाई विच ऑफ द तो गई इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा ये आपको बताना है ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है सामने ठीक है तो यहां पर आपसे पूछा गया है सेक्स ऑफ एन ऑस्प्रिंग डीएनए ऑफ द मेल गैमेट मेल गैमेट का जो डीएनए होता है ना उससे पता लगाया जाता है कि उसका मतलब इधर इट इज मेल और फीमेल राइट मेल है या फीमेल तो गाइस जो मेल के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं आपके एक्स और वाई राइट right और जो फीमेल के क्रोमोसोम होते हैं ना वो कौन से होते हैं वो होते हैं आपके एक्स एंड एक्स ठीक है आगे बढ़ते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड समय के साथ विस्थापन के दर की परिवर्तन को क्या कहा जाता है समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है तो गाइज दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी राइट इसको अपन क्या बोलते हैं? हैं। वेग कहते जब आप यहां पर डिस्टेंस की बात करोगे तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट वो दूरी कहला जाता है एक्सिलेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और फोर्स को डिफाइन किया जाता है पुश और पुल ज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो आपका फोर्स कहला जाता है मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है क्लोरीन तो राइट right आंसर देखो तरल अवस्था में पारा पाया जाता है मरकरी ये एक एक्सेप्शन भी है क्योंकि सारे मेटल ऑलमोस्ट सॉलिड स्टेट में होते हैं बट जो मरकरी है ये आपका रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द टेरिडोफाइटा इज टेरिडोफाइट की अभिलक्षणित विशेषता क्या होती है राइट right आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा ऑल ऑफ द अबब ये वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है फ्लावर और फ्रूट नहीं होते राइट right, टेरिडोफाइटा में नो फ्लावर एंड नो फ्रूट कुछ भी नहीं होता आगे देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक आपने देखा होगा तो ये किस पे वर्क करते हैं जेसीबी भारत में सबसे ज्यादा यूट्यूब पे देखा जाता है ना तो ये किस पर वर्क करता है राइट आंसर यहां पर लॉ कहला जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक बर्नौली के प्रिंसिपल पर जो है ना बर्नौली आर्कमेडीज जो प्रिंसिपल है तो आरकमेडीज में सिप और सबमरी आ जाते हैं एरोप्लेन बर्नौली के प्रिंसिपल पे आ जाता है Used to check the of test का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है तो गाइज आप सभी जानते हैं ना कार्बोहाइड्रेट के बारे में कार्बोहाइड्रेट जो आपका तीन तरीके का होता है मोनोसेचराइड ओलिगोसेचराइड और पॉलीसेचराइड तो इसकी प्रेजेंस को जांचने के लिए यहां पर आयोडीन का टेस्ट किया जाता है ंग दॉलोविंग इज द नेम ऑफ द मैमब्रेन दैट सराउंड लंग इन द ह्यूमन बॉडी उस मैमब्रेन का नाम क्या है जो पूरी के पूरी ह्यूमन बॉडी को सराउंड करती है झिल्ली का नाम क्या है राइट right आंसर क्या कहला जाएगा प्लुरल मैमब्रेन झिल्ली कहा जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन को और ये मेम्ब्रेन है जो सराउंड करती है किस चीज को लंग्स को ह्यूमन बॉडी में और ये मेम्ब्रेन मेनली कवर करती है लंग्स को जो फ्लूड के साथ और प्रोटेक्ट करती है लंग्स को और प्रोवाइड करती है एक स्मूथनेस राइट स्मूथनेस प्रोवाइड करती है आगे बढ़ते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन महासागर की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है क्रोनोमीटर ओडोमीटर गैल्वेनोमीटर और फैदोमीटर सारे के सारे मीटर हैं तो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा सही उत्तर यहां पर कहला जाएगा फैदोमीटर गाइस फैदोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पानी की डेफ्थ को मीजर किया जाता है फैदोमीटर जो डिस्पैच करता है साउंड सबमरीन के ऑसिलेटर से भी जब आप यहां पर क्रोनोमीटर की बात करते हो तो क्रोनोमीटर किस चीज को मीजर करता है एक्यूरेटली मीजर करता है टाइम को जो फिक्स्ड लोकेशन जैसे आपका ग्रीन विच मीन टाइम हो गया ओडोमीटर मीजर करता है स्पीड जो कि किसी व्हीकल के द्वारा ट्रेवल करी जाती है गैल्वेनोमीटर मीजर करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करेंट को राइट right, ये यहां पर जो है ना मीजर करता है कार्बन फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड कार्बन जो है ना किस तरीके के बॉन्ड को फॉर्म करता है कार्बन किस तरह के फॉर्म को जो है ना दो करता है राइट right आंसर आप देखिए कोवेलेंट बॉन्ड सह संयोजी बंध जो होते हैं ना तो ये किसके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं कार्बन के द्वारा ठीक है सहसोजी यानी कि ये किस तरह किस तरीके से बनता है ये जो बनता है आपका सियरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट सियरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की सियरिंग से बनता है ये आगे बढ़ते हैं द एंजाइम प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एस प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशयी रस में विद्यमान एंजाइम है यूपेस सॉरी इट्स लाइपेज लाइपेज पैप्सिन ट्राइप और एमाइलेस उत्तर क्या कहला जाएगा गाइस राइट आंसर right कहला जाएगा राइट राइट आंसर कहला जाएगा जब आप लाइपेज की बात करते हो, तो ये जो एंजाइम होता प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और जो ट्रिप्सिन है ये पेनक्रियाज के द्वारा सेक्रेट किया जाता है प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम कहलाता है विच ऑफ द फिनोमिना टेंशन जो सरफेस टेंशन है निम्नलिखित में से क्या पृष्ठ तनाव की घटना का एक उदाहरण है रेनड्रॉप राइज ऑफ सैप इन ट्री ब्रेकअप ऑफ लिक्विड जेट ऑल ऑप्शन आर करेक्ट राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट राइट ऑल ऑप्शन आर करेक्ट यहां पर जो है ना इसका राइट right आंसर कहला जाएगा विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइट गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर ये दो तरीके के फिनोमिना होते हैं जब गुड कंडक्टर की बात करते हो यानी जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर फ्लो कर जाती है बैड कंडक्टर पे फ्लो नहीं होती राइट right आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा ग्रेफाइट ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा गुड कंडक्टर कहलाता है राइट right, है भले ही ये नॉन मेटल लेकिन ये एक्सेप्शन है जैसे मेटल में एक्सेप्शन क्या है मरकरी द स्ट्रॉन्ग एंड नॉन रिफ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू इज मजबूत और गैर लचीला संयोजी उतक कौन सा कहलाता है टेंडन कार्टिलेज बोन और लेगा तो गाइज इसका राइट आंसर देखिए क्या कहला जाएगा दिस इज वॉट बी कॉल्ड एज द टेंडन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था टेंडन इज द कनेक्टिव टिश्यू जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है राइट right? जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है कार्टिलेज की बात आप करते हो तो ये कनेक्टिव टिश्यू कान मुड़ जाता है हड्डियां ये हार्ड टिश्यू होती हैं जो हमारे स्केलेटन को मेंटेन करते हैं लेगामेंट की जब आप बात करते हो ना गाइस तो आपके ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड द रिलेशन बिटवीन एंड टाइम गति का जो पहला नियम है ये किसके बारे में जो हमें Uh, संबंध बताता है किसके बारे में संबंध बताता है तो राइट आंसर कहला जाएगा वेलोसिटी एंड टाइम राइट जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये क्या बोलता है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये आपका रेस्ट में रहेगा और अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगा अनलेस एक्टेड ऑन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एनर्सिया ठीक है ना केन कंटेन जो सुगर केन यानी कि जो गन्ना होता है गन्ने में क्या पाया जाता है काफी इंपॉर्टेंट जो है ना क्वेश्चन है राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज देखो गाइज ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं ये दोनों मिलकर के सुक्रोज को बनाते हैं ये दोनों मिलकर के सुक्रोज को बनाते हैं जो सुगर केन यानी कि गन्ने में पाया जाता है ठीक है जब आप यहां पर ग्लूकोज और ग्लूकोज और माल्टोज तो नहीं ग्लूकोज और जब सुक्रोज की बात करोगे तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन नहीं है हाँ ग्लूकोज और गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन बनता है ये कॉम्बिनेशन नहीं है ये कॉम्बिनेशन नहीं है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन बनता है ये क्या बनाता है आपका लैक्टोज ये किसको बनाता है ये बनाता है लैक्टोज को और गाइज यहां पर देखो ये लैक्टोज किसमें पाया जाता है तो जो मिल्क है ना दूध ये उसमें पाया जाता है लैक्टोज ठीक है वट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है इतने जल्दी थक गए चौहान जी है पृथ्वीराज चौहान के वंशज होकर के इतने जल्दी थक गए ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिन्होंने दया किया था मनुष्य का गुण है दया करना इन्होंने दया किया था बट उस दया को का बहुत बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था ठीक है मोहम्मद गौरी है ना तराइन के जो फर्स्ट और सेकंड बैटल हुए थे फिलहाल का राइट आंसर देखो सेरेब्रम जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का मानव मस्तिष्क का उसे प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम कहा जाता है ठीक है आगे देखिए फोर वन ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन series, what इज द रिजल्टेंट resistance? यदि एक ओम के चार प्रतिरोधक एक श्रृंखला में जोड़े जाते हैं राइट right? श्रृंखला में जोड़े जाते हैं तो वो यहां पर प्रतिरोध जो परिणामी यानी कि रिजल्टेंट प्रतिरोध है वो कितना होगा इसमें छोटा सा फॉर्मूला लगता है गाइस आप देखो यहां पर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं अगर सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं तो आर बराबर क्या होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस एंड सो ऑन ये होता है राइट अब सीरीज में कितने जोड़े गए हैं चार तो रिजल्टेंट कितना होगा वन टू थ्री फोर यानी कि ये कितना हो जाएगा ओम राइट आगे देखिए व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है राइट व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड तो गाइज इसको अपन सॉल्ट कहते हैं जो अपन घर में खाते हैं दिस इज कॉल्ड एज द एन एल कहते हैं और एक्चुअल में इनका जो रेशियो होता है ये वन रेस टू वन होता है एक अगर सोडियम है तो एक आपका क्लोरीन है ये वन रेस टू वन में क्या बनाते हैं एनए यानी कि सॉल्ट को जो हम खाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन सल्फर सब्सटेंस एंड आल्सो कॉल्ड द विटामिन एच हाँ ये थोड़ा सा कुछ नया है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें जो है ना सल्फर कंटेन होता है तो उसे विटामिन एच कहा जाता है वो कौन सा विटामिन है हालांकि विटामिन एच कुछ नया नहीं है ये बी कॉम्प्लेक्स से ही डिपेंड करता है राइट विटामिन दो तरीके के होते हैं कौन कौन से एक जिनको आप बोलते हैं वाटर सोलूबल और दूसरे जिनको आप बोलते हैं फैट सोलुबल है ना ये दो तरीके के विटामिन होते हैं तो इनमें से जो विटामिन बी सेवन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट कहलाता है विटामिन बी सेवन को ही विटामिन एच कहा जाता है और ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना हमारे शरीर की राइट right, इनको बट ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है राइट right, और अगर यहाँ पर जो है ना मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है बट एनर्जी को कंट्रोल करता है को राइट एनर्जी कंट्रोल की जो रिएक्शन है उसको पूरा करता है अब गाइस यहाँ पर जैसे मैंने आपको विटामिन बताए दो तरीके के होते हैं एक फैट सोलूबल और दूसरा होता है आपके वाटर सोलूबल तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कौन से कहलाते केड़ा राइट एनि विटामिन के ई डी ए ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी ये आपके वाटर सोलूबल विटामिन है आगे देखिए आगे देखिए ड्यूरिंग द समर वॉटर इन एन अर्थ इन पॉट बिकेम कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमिना ऑफ गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी के कारण ठंडा हो जाता है ऑस्मोसिस एबन डिफ्यूजन और ट्रांसपरेशन राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा आएगा आएगा भाई थम थम जा जा कर जरा राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा एबॉपरेशन इसको अपन वॉस्पीकरण कहते हैं राइट एबरेशन समर में जो वाटर अपन रखते हैं ना तो बिकम कूल बिकॉज ऑफ फिनोमिना वाष्पीकरण के द्वारा क्या हो जाता है आपका कूल cool हो जाता है ठंडा हो जाता है राइट right? आगे बढ़ते हैं लश्रस नॉन मेटल चमकदार अधातु है गाइस यहां पर देखो लश्कर का मतलब क्या होता है चमक बहुत सारे आपने देखे होंगे जैसे मेटल्स होते हैं ना मेटल्स जनरली इनमें आपका लश्चर पाया जाता है लश्चर यानी कि चमक पाया जाता है ठीक है बट जो नॉन मेटल होते हैं उनमें नहीं पाया जाता कुछ एक्सेप्शन होते हैं राइट right? होते हैं ऐसा ही एक एक्सेप्शन है जिसे आयोडीन कहा जाता है गाइज आयोडीन एक लश्चरस नॉन मेटल है आयोडीन में चमक होती है पर यह क्या है आपका एक नॉन मेटल है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द सेल दैट आर द प्रोडक्ट प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड फाउंड इन टू और मोर लेयर एस्कॉर्ड वो कोशिकाएं जो कार्य में सुरक्षात्मक होती हैं और दो या अधिक परतों में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है स्टमक लेयर लीवर सिंपल एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम तो गाइज राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं इसको समझिएगा मेरी बात जो एपिथेलियम टिश्यू होता है एक ऐसा टिश्यू होता है जिसमें फ्री सरफेस पाई जाती है राइट फ्री सरफेस पाई जाती है जो फेस करता है इधर बॉडी फ्लूड या आउटसाइड ऑफ द एनवायरमेंट दोनों को फेस करता है ये दो तरीके का होता है राइट right? ये जो है ना दो तरीके का होता है एक जिसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम और दूसरा जिसे अपन बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम सिंगल एपिथेलियम में जो सिंपल एपिथेलियम है उसमें आपका सिंगल लेयर होती है और कंपाउंड एपिथेलियम जो है ना तो कंपाउंड एपिथेलियम में तीन या चार लेयर पाई जाते हैं ये दोनों किस टाइप के हैं ये दोनों आपके एपिथेलियम कहलाते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं गाइस इफ देयर इज एन इंक्रीज इन करंट इन सर्किट विथ फाइव ओम रेजिस्टेंस द वोल्टेज ओम पांच ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज विल डिक्रीज विल इंक्रीज रिमेन सेम बी जीरो इसका सही उत्तर अब ये बताओ कि जो एग्जामिनर है वो आपसे पेपर पूछ करके बनाएगा आ, कि जी बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है कौन सा क्वेश्चन जो है ना टफ है कौन सा इजी है राइट right आंसर इसका क्या कहला जाएगा सही उत्तर यहां पर कहला जाएगा इसका जो इंक्रीज होगा ठीक है देखो इंक्रीज इन करंट सर्किट विथ फाइव ओम रेजिस्टेंस तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी क्या होगा इंक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल साइज डिक्रीज ड्यू टू आवर्त सारणी में परमाणु आकार किसके कारण घट जाते हैं सीडिंग इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज इन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज इन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अरे बिल्कुल अंजलि भरोसा रखो देखो भरोसा अगर खुद पर रखोगे तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे दूसरों के सहारों से सिर्फ अर्थियां उठा करती हैं ध्यान रखना खुद पे भरोसा रखना सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पर वर्क करता है भरोसे पे दुनिया का है मैं आप रोज रात में सोते हो इस भरोसे के साथ कि कल हम ये करेंगे कल हम ये करेंगे राइट कल हम ये करेंगे कल हम ये करते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंट है ना भरोसा ट्रुथ अक्रॉस द पीरियडिक टेबल जो यहां पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इंक्रीज हो जाता है राइट right? अगर मान लो ये न्यूक्लियस है राइट right? अगर यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इंक्रीज हो जाता है तो आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा अपनी तरफ खींच लेता है तो उससे उसका साइज क्या होता है डिक्रीज हो जाता है राइट right? आगे देखिए मॉसिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम स्लैश क्लास ऑफ द प्लांट किंगडम मॉसिस निम्नलिखित में से वनस्पति जगत के समुदाय या वर्ग से संबंधित है ठीक मोसेस किस से संबंधित है तो गाइज इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा ब्रो फायटा. राइट ब्रोफाइटा से बिलोंग करते हैं और ये आपके एडवांस ब्रोफाइटा होते हैं राइट एडवांस ब्रोफाइटा होते हैं राइट और यहां पर जो है ना इसका सही उत्तर कहला जाएगा मोसेस का विच ऑफ द फॉलोविंग इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ कलर कलर का प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है हाँ? तो गई यहां पर देखो जब आप कलर के प्रॉपर सीक्वेंस की बात करोगे तो ब्लू ग्रीन येलो ब्लू ग्रीन येलो इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ कलर ये एक्चुअल में कैसा होता है जो डिस्पर्जन होता है ना लाइट का तो डिस्पर्जन होने पर लाइट में जो कलर बनते हैं वी आई बी जी वाई ओ आर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ठीक है तो आप देखो रेड ग्रीन येलो रेड यहां पर है ग्रीन यहां पर है येलो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है ना हरा ग्रीन वॉयलेट रेड ग्रीन यहां पर है वॉयलेट यहां पर है, है ना और रेड यहां पर है कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा यहां पर आप देखिए यहां भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा ये ब्लू ग्रीन येलो कॉम्बिनेशन बन रहा है राइट कहला जाएगा ठीक है ये क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं ये ट्रिक ध्यान रखना छोटी सी है बट बड़े काम की है द मेन केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ सिरका का मुख्य रासायनिक घटक क्या है जो होता है ना सिरका जैसे अपन कहते हैं उसका मुख्य रासायनिक घटक कौन सा कहलाता है तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज द इसको हम क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड कहते हैं जो विनेजर का मुख्य घटक होता है दैट इज कॉल्ड एज द कि किसकी हम बात कर रहे हैं सी एच थ्री सी डबल ठीक है गाइस सेंटर फॉर हीट टच कोल्ड एंड प्रेशर गर्मी स्पर्श ठंड और दबाव का केंद्र किसमें होता है फ्रंटल लोब ललाट पश्च जो ऑस्पिपिटल है ना पार्श्विक जिसको पेरिटेरियल कहा जाता है फ्रंटल और ऑस्टिपिटल दोनों आपसे ये क्वेश्चन नर्वस सिस्टम पर पूछा गया है तो यहां पे जो है ना ब्रेन की अगर अपन बात करते हैं तो ब्रेन में कितने होते हैं चार लोब होते हैं ब्रेन में चार लोब होते हैं ठीक है कौन कौन से फ्रंटल ऑस्टिपिटल और पेरिटल फ्रंटल ऑस्टिपिटल पेरिटल और एक होता है आपका टेम्पोरल ऑप्शन में नहीं है ये चार लोभ होते हैं तो जब भी अपन गर्मी छूना ठंड दबाव ये सब कहां पर होता है ये पैरिटल में होता है, पैरिटल जो है ना, फ्रंटल के जस्ट ये आपका पैरिटल लोब होता है फ्रंटल के जस्ट बेहाँड. फ्रंटल लोभ सबसे लार्जेस्ट होता है मेजर में ये वाला जो है ना ऑसिपिटल लोब सबसे होता है, जो बैक पोर्शन जिसको अपन छोटा दिमाग कहते हैं राइट और टेम्पोरल लोब जो होता है ना ये बॉटम सेक्रेशन ऑफ द ब्रेन जहां पर सिटिंग होता है क्लोज टू एयर ये यहां पर जो है ना आपका टेम्पोरल लोब होता है आगे देखो ऑफ़ लाइट देखोग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इमर्ज आफ्टर रिफ्रेक्शन विल बी अपवर्तन के बाद उभरे अवतल लेंस के प्रमुख फोकस पर मिलने वाली प्रकाश की किरण हो, होगी थ्रो द प्रिंसिपल फोकस पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रो देंटर ऑफ करवेचर विदाउट एनी डेविएशन बताए तो बर्लिन सब ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई भी रे है यह अपियर होती है प्रिंसिपल फोकस में कॉन्केव लेंस के इमर्ज होने के बाद रिफ्लेक्शन से तो ये क्या होती है पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव धातु की अम्ल के साथ प्रक्रिया होने से क्या बनता है अब गाइस जो जैसे मान लो अगर अपन यहां पर बात करते हैं किसकी सोडियम की अगर ये एच के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा क्या बनाएगा ये आपका NaCl ही बनेगा ना NaCl बनेगा प्लस यहां पर क्या रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी राइट तो एच टू एच यहां पर एक है तो इसको कर दो टू तो दो सी एल हो गया तो दो यहां कर दो दो एने हो गया तो दो यहां कर दो ये सॉलिड होगा ये लिक्विड होगा ये आपका सॉल्ट होगा और ये आपका गैस होगा राइट तो ये क्या 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 बन रहा है आपका ये आपका जो है ना बन रहा है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन जो भी आपका मेटल और मेटल अगर किसी एसिड से प्रतिक्रिया करता है कोई भी पर्टिकुलर मेटल है अगर ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है ये बनाता है एक सॉल्ट प्लस यहां पर ये बनाता है हाइड्रोजन सॉल्ट और हाइड्रोजन को बनाता है ठीक है आगे देखिए एज पर विटिकर्स क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ किंगडम नेम वेटिकर के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जगत का नाम नहीं है कोई बात नहीं परेशान मत हो कितने बार गलत होगा प्रैक्टिस करो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना किस चीज की बार बार उस चैप्टर को पढ़ो ठीक है तो रस्सी भी पत्थर पे निशान छोड़ जाती है गाइस ध्यान रखना पत्थर के सामने रस्सी की कोई औकात नहीं होती लेकिन जब वो घिसने पर आती है ना रस्सी तो पत्थर में भी निशान छोड़ जाती है इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो क्या कहला जाएगा दिस इज कॉल्ड एज द बैक्टीरिया इसको हम जीवाणु कहते हैं एड विचकर क्लासिफिकेशन में किंगडम का नाम जीमाडू नहीं था फंगी प्लांटी एनिमिलिया सब थे राइट हुईट प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है टाइम डिस्टेंस लाइट और करंट प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे गाइस डिस्टेंस कहला जाएगा राइट right? लाइट जो है ना लाइट ईयर ये किसकी इकाई होती है यूनिट डिस्टेंस की होती है फर्स्ट टू प्रपोज द एटमिक थियरी थियोरी को प्रपोज करने वाले पहले कौन थे बहुत दूर की को जब करना होता है ना तब लाइटर का उपयोग किया जाता है तो एटमिक थियोरी को प्रपोज करने वाले जॉन डॉल्टन साहब थे परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति जॉन डॉल्टन ठीक है इनके द्वारा जो है ना एटमिक थियोरी को सबसे पहले दिया गया था थॉमसन आप सभी जानते हैं इन्होंने जो है ना सब पार्टिकल को खोजा था रदर जो है तो इन्होंने जो है ना बताया था कि एटम कंपोज होता है एम्पिटी स्पेस में मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन ऑप्टेंड होते हैं नील्स बोर्ड जो है ना तो इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर और जो कॉन्सेप्ट था एनर्जी जो ऑर्बिट का क्वांटम थ्योरी ये दिया था डेंगू फीवर इज अ डिजीज डेंगू बुखार एक बीमारी है मॉस्किटो बॉर्न एयर बोर्न पैरासाइट बॉर्न और फूड बॉर्न राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा मॉस्किटो बॉर्न डेंगू जो फीवर है ये एक बीमारी है ये मच्छरवा से होती है मॉस्किटो जो होते हैं ना देखो मलेरिया हो गया डेंगू हो गया वेस्ट नाइल वायरस हो गया चिकनगुनिया हो गया फाइलेरिया हो गया ये सब बीमारियां मच्छरों से होती हैं राइट जो एयर एयरबोर्न डिजीज होती है जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया चिकन पॉक्स हो गया कोविड नाइनटीन सब डर जाते हैं इस नाम से मम्स हो गया मीसिल्स हो गया ये सब एयर एयरबोर्न डिजीज है राइट पैरासाइट बोन अगर आप देखो तो पैरासाइट बोन में जैसे टॉक्सोकेरासिस वगैरह हो गया चेगस डिजीज हो गया चागस हो गया न्यूरोसाइट साइक्रोसिस हो गया जब आप यहाँ पर फूड बोर्न देखते हो तो डायरिया हो गया राइट right? और सालमेनोसिस हो गया ये सब आपकी फूड बोर्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द वेरी हाई टेम्परेचर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो बहुत अधिक तापमान को मीजर करने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसका सही उत्तर आप देखिए राइट आंसर क्या कहला जाएगा पायरोमीटर जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना पायरोमीटर जिसको वेरी हाई टेम्परेचर को म्यूजर करने के लिए रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर काइंड का होता है ये पायरोमीटर जो फोटोमीटर होता है ना गाइस इस तो फोटोमीटर को उपयोग करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मीजर करने के लिए जो पायर होता है राइट जो पायर होता है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है मीजर करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन राइट और जो आपका सोलरीमीटर है सोलरीमीटर एक डिवाइस होता है जो सोलर रेडिएशन को मेजर करता है विच मॉडल ऑफ एन एटम इज सिमिलर टू अ क्रिसमस पडिंग कौन सा परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है तो राइट right आंसर क्या कहला जाएगा आपका थॉमसन मॉडल ये थॉमसन मॉडल जो है ना तो किससे पुडिंग के समान होता है विच ऑफ द फॉलोविंग इज मूविंग स्कुल बोन राइट निम्नलिखित में से कौन सी है जो एक मूविंग स्किल बोन कहलाती है राइट right, चलायमान हड्डी जिसको अपन कहें तो वो कौन सी बोन होती है और कहां पर पाई जाती है बोन उसमें आप जानते हो ना कि तीन तीन आपके मेम्ब्रेन होती हैं थ्री थिन मेम्ब्रेन होते हैं राइट और जो ब्रेन होता है ये कुशन और प्रोटेक्ट किसके द्वारा किया जाता है सेरेब्रोस्पाइनल स्पाइनल के द्वारा स्कल में टोटल ट्वेंटी नाइन बोन होती हैं राइट right? स्कल में कितनी उन्तीस बोन होती हैं और इन उन्तीस में से जो मैंडिबल है यानी कि जो जबड़ा कहीं पर भी चलाओ अप डाउन इधर उधर तो ये क्या है आपका जो मैंडेबल है ना दैट इज द मूविंग स्कल बोन कहला जाती है राइट right? जो नसल बोन है दैट इज द पार्ट ऑफ द स्कल बोन ऑल्सो ठीक है बट वो मूविंग नहीं है आगे देखिए आपसे क्या पूछा गया है द रिएक्टर स्केल इज यूज टू मीजर द रिएक्टर स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है स्पीड ऑफ एयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक अर्थक्टी ऑफ वाटर वेरी गुड जबड़ा जो है ना वो ये कहलाता है ये वाला पोर्शन हा हा सबसे ज्यादा जो है ना हार्ड भी होता है जबड़ा इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक रिएक्टर स्केल का उपयोग अपन अर्थक्वेक कितने इंटेंसिटी का था ये मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं राइट right? तीन रिएक्टर स्केल पर इसकी जो यूनिट थी वो तीन थी चार थी ठीक है द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोकार्बन का जो नेचुरल सोर्स है वो कौन सा होता है हाइड्रोकार्बन का जो नेचुरल सोर्स है वो कौन सा होता है सो गाइस राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल जो है ना तो ये आपका हाइड्रोकार्बन का नेचुरल सोर्स कहलाता है ठीक है बाय व्हिच प्रोसेस सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन किस प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जैसे तत्व तो कोशिका झिल्ली में स्थानांतरित हो सकते हैं राइट right? कौन सी प्रोसेस कहलाती है दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन इसको अपन विसरण कहते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस से सब्सटेंस जैसे टू हो गया ऑक्सीजन ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं जब आप प्लाज्म प्लाज्म की बात करते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है जिससे जो सेल राइट सेल लूज वाटर जो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है सेडिमेंटेशन ये प्रोसेस होती है सेटिंग आउट द पार्टिकल्स जो आपके सस, मतलब सस्पेंशन होता है ना वाटर में राइट और जो ट्रांसप्रेशन है ये आपका वाटर मूव होता है थ्रू प्लांट इवापरेट होता है कहां पर आके एरियल पार्ट्स में ठीक है आगे बढ़ते हैं गाइस अ कंप्रेस स्प्रिंग प्रोसेसेस एक संकुचित स्प्रिंग में होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब तक जब तक है जान तब तक क्लास होता है तब तक क्लास होगा ठीक है तो खा पी लो एनर्जी लाओ राइट right आंसर इसका क्या कहलाया जाएगा दिस इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग होती है ना इसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है ठीक है आगे देखिए इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड द मेटेलिक करेक्टर आधुनिक आवध सारणी में बाएं से दाएं स्थानांतरित करते समय धातु के गुण इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं रिमेन्स सेम फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज पोटेंशियल होगा बच्चे काइनेटिक नहीं होगा इट्स नॉट काइनेटिक इट्स पोटेंशियल राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा डिक्रीज हो जाता है ठीक है द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू द जेरोथैलमिया जेरोथैलमिया नाम की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है तो गाइज राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा विटामिन राइट विटामिन ए अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो है ना जेरोथेलमिया अगर विटामिन ए की शरीर में कमी होती है तो विटामिन ए की कमी से शरीर में जेरोथेलमिया दाब की बीमारी हो जाती है राइट और जो विटामिन ए है काफी इंपॉर्टेंट भी होता है विटामिन ए जो है ना तो स्टीन वॉक के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1919 में और 1931 में केरर ने जो है ना स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया था विटामिन ए का और नाइट ब्लाइंडनेस भी विटामिन ए के कारण ही हो जाती है राइट नाइट ब्लाइंडनेस भी विटामिन ए के कारण होती है वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म ऑब्सोल्यूट प्रेशर ऑब्सोल्यूट प्रेशर से आप किस को संबंधित हैं यह पंजाबी में लिख गया राइट मल्टी लैंग्वेज है सो so, पंजाबी आ गया डोंट वरी सो गाइज यहां पर देखो अब्सोल्यूट प्रेशर एब्सोलूट प्रेशर जो है ना इससे आप क्या समझते हैं वॉट डू बी कॉल्ड एज द ऑब्सोल्यूट प्रेशर तो गाइज वी आर वेरी क्लोज टू थ्री हंड्रेड और जो नए व्यूवर्स हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिए गाइस इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा राइट right आंसर कहला जाएगा इट इज द प्रेशर इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ द एटमोस्फेरिक एंड गेज प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का जो अल्जैब्रिक सम होता है ना वो क्या कहला जाता है आपका अब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है च ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है कॉपर कैल्सियम आयरन एंड जिंक राइट right आंसर क्या कहला जाएगा कैल्सियम ये आपका इनमें से देखो यहां पर से बात करी गई है इनमें से सबसे प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है तो इनमें सबसे प्रतिक्रियाशील धातु जो है ना दैट इज कॉल्ड एज कैल्सियम राइट ये आपको पता होगा ना कि एन ए सी एम जी एल एम जी एल फिर जेड एन एफ पी बी राइट ये सीक्वेंस चलता है आगे देखो विच अमंग द फॉलोविंग इज द फूड ट्यूब निम्नलिखित में से कौन सी भोजन की नली है ये एक ड्वेल ट्यूब होती है यानी फूड बी सी से ट्रांसफर होता है और एयर बी सी से ट्रांसफर होती है इसे क्या कहा जाता है ऑसो यानी अन्न प्रणाली कहा जाता है ऑसो कहा जाता है फूड ट्यूब को अन्न प्रणाली ठीक है तो इसका राइट आंसर कहला जाएगा वन किलो वोट आवर इज इक्वल टू एक किलोवॉट घंटा बराबर कितने जूल होता है तो गाइस यहां पर भर दो सीधे सीधे थ्री पॉइंट सिक्स राइट क्या हो जाएगा वन किलोवॉट आवर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर सिक्स जूल फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन गन मेटल गन मेटल जो होता है ना गन मेटल में कौन सी धातु मौजूद होती है नहीं राजीव रवि घोर के नहीं पिला सकता मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं ठीक है राइट आंसर कहला जाएगा आपका टेन ठीक है टेन इसका जो है ना राइट आंसर कहला जाएगा आपसे क्या पूछा गया था आपसे यहां पर पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल मेटल प्रेजेंट इन गन गन तो मेटल में क्या प्रेजेंट होता है होता है टिन प्रेजेंट प्रेजेंट होता द केमिकल सब्सटेंस इन बोन एंड टीथ इज हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ मौजूद होता है वो कौन सा कहलाता है तो गाइज इसका सही उत्तर आप देखेंगे राइट आंसर क्या कहला जाएगा सी ए थ्री पीओ फोर होल्डवाइज ये आपका प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट राइट दिस इज वॉट दिस इज कॉल्ड एज द कैल्सियम फॉस्फेट इसको कैल्सियम फॉस्फेट कहा जाता है ठीक है ये यहां पर जो है ना तो मौजूद होता है आगे देखिए गई वट इज द एसाई यूनिट ऑफ वेट वजन की ऐसाई SI इकाई क्या कहलाती है मोल कैलविन न्यूटन और एम्पियर वट इज द एसाई यूनिट ऑफ वेट गाइज तो वेट की जो ऐसा SI यूनिट है ना ये कहलाती है आपका न्यूटन राइट वेट की जो एसआई SI यूनिट है ये न्यूटन कहलाती है ठीक है न्यूटन को कहा जाता है वेट को डिफाइन किया जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटी के तौर पर जो है ना ये आपका वेट डिफाइंड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक प्रोवाइड द एसिडिक पीएच ऑफ विच इज पोटेंशियल विच इज ऑप्टिमल फॉर पैप पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अम्ली पीएच प्रदान करता है जो पेप्सिन के लिए सर्वोत्तम है 3.8, 1.8, 5.8 और 7.8 तो फाइव इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा 1.8 राइट जो पीएच होता है प्रोवाइड करता है एसिडिक पीएच ऑफ 1.8 जो कि ऑप्टिमल होता है किसके लिए पेप्सिन के लिए विच टिश्यू एक्ट एज फर्स्ट लाइन ऑफ protecting फॉर बॉडी फ्रॉम एनी फिजिकल और केमिकल damage. कौन सा ऊतक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है तो गई जिसका सही उत्तर आप देखिए एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको बताया था राइट एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको बताया था ये जो है ना तो सबसे पहले सबसे आउटर सरफेस होती है ना जो बॉडी की वो कौन कवर करता है एपिथेलियल टिश्यू कवर करता है और यही शरीर की जो भी पर्टिकुलर चाहे केमिकल uh, डैमेज हो फिजिकल डैमेज हो उसको प्रोटेक्ट करता है ठीक है आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क बाय मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्षिक घनत्व की घरत को माप कर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है लैक्टोमीटर ओडोमीटर बैरोमीटर और स्फेरोमीटर। देखो मीटर वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो अगर कहीं पर आपको जो है ना लैक्टो वर्ड मिलता है चाहे ये सुगर में हो मीटर में हो ये किससे रिलेटेड होगा आपका मिल्क से रिलेटेड होगा ये ट्रिक ध्यान रखना लैक्टो यानी मिल्क से रिलेटेड ठीक है ये क्या होगा आपका मिल्क से रिलेटेड होगा तो इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा लैक्टोमीटर इसका राइट right आंसर कहला जाएगा ठीक है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है चांदी का रासायनिक प्रतीक यहां पर क्या है यह आपको बताना है चांदी का रासायनिक प्रतीक चांदी जिसको अपन बोलते हैं इसका राइट right आंसर क्या कहला जाएगा सही उत्तर जब आप देखेंगे सो दिस इज वॉट बी कॉल्ड एज एजी सिल्वर को क्या कहा जाता है एजी कहा जाता है ठीक है यह सिंबल कहला जाता है silver is called as AG. अच्छा जो भैया को इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीकल की स्पीड को ट्रबल करता है जो बैरोमीटर होता है एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो मीजर करता है प्रेशर को है ना जो स्फेरोमीटर होता है ये आपका प्रसाइज मीजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है मेमल्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम जो मेमल्स होते हैं वो किस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं तो गाइज राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा कॉर्डेटा राइट फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं और जो ऑर्डर कौन सा होता है उसको बोलते हैं मोनोट्रेमेटा क्लास कौन सा होता है मेमेलिया सुपर क्लास टेरापोडा सब क्लास येरिया किंगडम एनिमिल ठीक है सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना द क्वाइल ऑफ वायर यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर इज कॉल्ड ए एन विद्युत तापक इलेक्ट्रिक हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली को कहा जाता है फिलामेंट सेल बैटरी और एलिमेंट क्या कहते हैं तो गईस दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट राइट जो एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है उसमें आप या इलेक्ट्रिक हीटर होता है कुकिंग कंटेन्स के लिए जो कॉइल होती है वायर्स वगैरह जो कॉइल ऑफ वायर होती है या आपके इलेक्ट्रिक हीटर में इनको एलिमेंट कहा जाता है ठीक है बहुत सारे लोगों के दिमाग में फिलामेंट आया होगा तो फिलामेंट जो होता है ना कहीं ये बहुत थिन टंगस्टन का वायर होता है फिलामेंट ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट और ऋषभ यादव जी क्लास जो है ना एस एस सी एम टी एस जी के की क्लास जो है ना ये डेली होती है एस एस सी एम टी एस जी के की क्लास ये डेली होती है रेगुलर राइट कितने बजे शाम को सिक्स पी एम शाम को छ बजे डेली होती है क्लास भी आपको टेक्स्ट बुक के चैनल पर मिल जाएगी लिंक अगर चाहते हो प्रॉपर तो ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो यहाँ पर क्लास से पहले मैं लिंक शेयर करता हूँ तो गाइज इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा एल्यूमिनियम कहला जाएगा इज नॉट द एस ब्लॉक एलिमेंट राइट एल्यूमिनियम है ना ये पी ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप तेरह में आता है एटोमिक नंबर भी इसका तेरा है गाइज अभी देखो फोर्टीन मंथ के लिए आपको टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है एट जस्ट रूपीज टू नाइनटी नाइन राइट मिशन सिलेक्शन सेल अफसर बनने का सुनहरा अवसर है आपके सामने और ये टेक्स बुक एस रेलवे का टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन करिए जितने भी आपके एस और रेलवे से रिलेटेड सेशन होते हैं एस एंड रेलवे से रिलेटेड जितने भी सेशन होते हैं उन सब के पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेंगे रिसेंटली डिस्कवर्ड द विटामिन हैविंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इज हाल ही में पाए गए किस विटामिन में कैंसर विरोधी गुण है विटामिन बी फाइव बी बी फिफ्टीन बी और बी इंग्लिश yes, का भी होता है मैथ्स का भी होता है रीजनिंग का भी होता है तो गाइज इसका राइट right आंसर देखो विटामिन बी सेवनटीन कहला जाएगा ठीक है जो विटामिन बी सेवेंटीन है ना गाइज इसको अपन क्या बोलते हैं लाइट ट्रायल भी कहते हैं बी सेवनटीन को लाइट ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट ट्रायल ठीक है या इसको एमी एमिग्रेड, ग्रेड एमी कुछ करके कहा जाता है जी थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना है। इसका जो नेम है केमिकल वाला ठीक है एमिगडेलिन ही होगा मोस्ट प्रोबेबली राइट तो लेक्राइल जो है ना ये प्रमोट करता है एक अल्टरनेट कैंसर ट्रीटमेंट को और ये जो है ना मतलब बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता है बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता है एविडेंस नहीं होते हैं जिस पर कि ये वर्क करता है ठीक है ये आपका एक मैन मेड होता है जिसको एमिक डेलिन कहते हैं फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट डॉक्टर सी वी रमन कन्फर्ट विद द प्रस्टीजियस नोबेल प्राइज सी वी रमन जी को प्रस्टीजियस नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था तो गाइज राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा ना राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा रमन स्कैटरिंग इफेक्ट रमन स्कैटरिंग इफेक्ट के लिए इनको जो है ना तो नोबेल uh, प्राइज दिया गया था स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाई मैटर ये किस चीज को डिफाइन करता था ये डिफाइन करता था एज द एनालिस्टिक ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ फ्रोटोन बाय मैटर और इसी को अपन क्या बोलते थे रमन का स्कैटरिंग इफेक्ट कहते थे फॉलोविंग इज नोन एज द सेंटर ऑफ एन एटम निम्नलिखित में से किसको एटम का सेंटर कहा जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस तो ये तो हर कोई बता देगा दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस गाइस कभी भी अगर आप एटम मतलब बात कर तो ऐटम की तो सबसे पहले क्या होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस में क्या चीजें पाई जाती हैं एक तो प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं इनके चारों तरफ क्या होते हैं सेल्स पाई जाती हैं इन सेल्स में क्या होता है इन सेल्स में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन ठीक है ये जो सेल्स हैं इनमें क्या पाया जाता है इनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ठीक है आगे देखिए इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंप्लीटली इनक्लोज विद एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त के भीतर पूरी तरह से सीमित होता है क्या चीज सीमित होता है किसके भीतर सीमित होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी गई है राइट आंसर ब्लड वेसल्स कहला जाती है जे जो अपने मतलब ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है ब्लड कैरिंग देखो अभी मैंने जो सर्कुलेटरी सिस्टम करवाया था आपको सर्कुलेटरी सिस्टम फ्राइडे को छह बजे वाली क्लास में है ना आगे देखिए गाइस द मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल आर वाहन में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाले दर्पण को क्या कहा जाता है तो ये भी मैं बता चुका था ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर तो राइट आंसर क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस कहा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर तो ये क्वेश्चन तो हो गया था सिल्क रिपीटेड है सॉरी आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड द ओल्ड एज कभी भी अगर ओल्ड एज यानी कि जब कोई भी व्यक्ति जो है ना तो क्या होने लग जाता है बूढ़ा होने लग जाता है तो कौन सी ग्लैंड हो जाती है तो गाइज इसका सही उत्तर होगा ना राइट आंसर क्या बोलते हैं थामस ग्लैंड कहते हैं राइट इसको हम क्या बोलते हैं ग्लैंड कहते हैं ठीक है थाइमस ग्लैंड ओल्ड एज में डिस हो जाती है जबकि चाइल्डहुड में ये सबसे लार्जेस्ट होती है थाइमस ग्लैंड ये ऑर्गन है लोकेटेड होता है ब्रेस्ट बोन के पीछे और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है ना इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करना बढ़ाना ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है व्हाट डज ईसीजी स्टैंड्स फॉर ईसीजी का मतलब जो है ना किस चीज में स्टैंड करता है ईसीजी को अपन क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम राइट ये आपका जो है ना ग्राफ नहीं होता बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं होता ये ग्राम होता है इसके द्वारा जो है ना रिजल्ट जो दिया जाता है वो रिजल्ट किस फॉर्म में होता है ग्राफ के फॉर्म में होता है लेटमस पेपर आर मेड अप ऑफ जो लिटमस पेपर है वो किससे मिलकर बना होता है आप सभी जानते हो लिटमस पेपर जो है ना तो ये एसिड और बेस के टेस्टिंग के लिए जाना जाता है जो लाइकेन से मिलकर के बनता है लिटमस पेपर ठीक है किससे बनता है लाइकेन इज अ थायराइड हार्मोन विच कंट्रोल द बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी एक थायराइड हार्मोन है जो कैल्शियम को नियंत्रित करता है शरीर में तो दिस इज कॉल्ड द राइट जो है ना इसको कहते हैं अब गाइस थायरोक्सिन क्या कंटेन करता है थायरोक्सिन में आपका रिच क्वांटिटी ऑफ आयोडीन जो थायरोक्सिन है इसमें आपका रिच क्वांटिटी ऑफ आयोडीन होता है जो आपका िन होता है ना तो कैलोड अगर आप देखो तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कहलाता है है इसको कहा जाता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थ्री पॉइंट सिक्स नाइन पॉइंट एट इलेवन पॉइंट टू राइट right आंसर कहला जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज टू प्रिवेंट द फूड मटेरियल फ्रॉम ग्रेटिंग ऑक्सीडाइज निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है तो गाइज राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बस अंजलि आधे घंटे और बचा है राइट आधे घंटे और बचा है और गाइज हम लोग वेरी क्लोज टू फोर हंड्रेड देखते हैं अपन इस सेशन में अगर पांच सौ का टारगेट लेकर के चलते हैं राइट right? अगर फाइव हंड्रेड का टारगेट कंप्लीट हो गया पांच सौ लाइक अगर इस पर्टिकुलर सेशन में हो गए तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सेशन की सारे सब्जेक्ट की मैराथन होंगी राइट right? सारे सब्जेक्ट की मैराथन होंगी और उनके जो टारगेट है वो अलग होंगे फिलहाल इस क्लास का टारगेट कितना है फाइव हंड्रेड लाइक देखते हैं हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं राइट right आंसर इसका कहला जाएगा नाइट्रोजन गाइज नाइट्रोजन जो होता है ना तो इसको डेनियल रदरफोर्ड ने सेवनटीन सेवेंटी टू में डिस्कवर किया था जो सबसे सेवेंटी वन पॉइंट वन परसेंट सेवेंटी एट पॉइंट वन परसेंट यहां पर पाया जाता है और सबसे मोस्ट अबंडेंट गैस होती है अर्थ के एटमोसफियर में और ये खाद्य पदार्थ जो है ना तो उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोसपम इज सबसे छोटा जीवित जिम्नोस्पम कौन सा कहलाता है राइट right आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा जिसको जामिया कहा जाता है जामिया यानी कि कंग छुप ये सबसे जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पम कहलाता है राइट right? जिम्नोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है ऐसे प्लांट जिनमें नेग्ड सीड्स होते हैं यानी कि उनके जो बीज है वो हमें बिल्कुल दिखाई देते हैं वो आपके जिम्नोस्पर्म कहला जाते हैं एनर्जी प्रोसेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एस गति के कारण किसी पिंड में मौजूद ऊर्जा इसकी होती है सो इस गति के कारण जो एनर्जी मौजूद होती है उसे हम क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द कानेटिक एनर्जी राइट कायनेटिक एनर्जी जो है ना तो ये आपका गति के कारण मौजूद होती है ठीक है किसके कारण मौजूद होती है ये काइनेटिक एनर्जी गति के कारण मौजूद होती है आगे बढ़ते हैं विच एलिमेंट इन द टेबल फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड आवर्त सारणी में कौन सा तत्व तो अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है तो गई कभी भी अगर यौगिक बनाने की बात आती है तो राइट आंसर कार्बन होता है कार्बन सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है किसमें पीरियोडिक टेबल में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है छह और जो पीरियोडिक टेबल है इसके फोर्टीन ग्रुप में बिलोंग करता है विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबोलिज्म इन ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा चपा चप चया चा, पचय के नियमन के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदाई होती है So right एडनल right ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करती है ग्लैंड व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रीली टूवर्ड द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी जब कोई निकाय स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा इंक्रीज होती है रिमेन सेम डिक्रीज फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज तो गाइज इसका राइट आंसर क्या कहला जाता है रिमेन सेम यानी कि ये एक जैसी रहती है ना इंक्रीज होती है ना ही ये डिक्रीज होती है दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है आगे देखिए वाई आर सम समाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल्स होते हैं ना ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं लेकिन क्यों होते हैं क्या कारण होता है कि ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मतलब ऐसी क्या चीज पाई जाती है कि ये जो है ना आपके गुड कंडक्टर कहलाते हैं तो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें आपके जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं सो उन्हीं से क्या होता है उन्हीं से आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है ठीक है द आर्टरीज एंड वेंस आर कनेक्टेड बाय द और सिरा से जुड़ी होती हैं वेन्यूल्स लेगामेंट बोन और कैपिलरीज किससे जुड़ी होती हैं तो गाइज इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा कैपिलरीज इनको अपन केसिका कहते हैं कैपिलरी का मतलब क्या होता है केसिका जो आर्टरी और वेन्स होती हैं ये किससे कनेक्टेड होती हैं वेरी टिनी ब्लड वेसल जिनको हम कैपिलरी कहते हैं ठीक है केसिकाएं कहते हैं वट इज द एस्थाई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी विस्कोसिटी की एसाई SI यूनिट क्या होती है गाइज रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड जो लिक्विड की डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है ना लिक्विड की डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है या चाहे गैस हो तो ये क्या करती है अपोज करती हैं एक फोर्स राइट ये अपोज करती है एक फोर्स को उस फोर्स को क्या कहा जाता है वो फोर्स आपका कहलाता है विस्कस फोर्स ठीक है क्या कहलाता है विस्कस फोर्स कहलाता है ठीक है और उसी को मतलब जिसमें फोर्स ज्यादा होता है उसकी विस्कोसिटी जो है ना उतनी ज्यादा होती है तो जो फोर्स कहलाएगा विस्कस फोर्स कहलाएगा और प्रॉपर्टी कहलाएगी विस्कोसिटी तो इसको पॉइज़ राइट एसआई यूनिट क्या होती है पॉइज होती है अब गाइज एक पॉइज किसके बराबर होता है वन पॉइज इज टू पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट वन पी एस पीएस का मतलब यहां पर क्या है पासकल सेकेंड आगे बढ़ते हैं गाइस वट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इंड ब्रास पीतल में तांबे का प्रतिशत कितना होता है ठीक है, राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा सही उत्तर जब आप इसका देखेंगे तो दिसवेंटी परसेंट पीतल में जो है ना मतलब कॉपर इन ब्रास सेवेंटी परसेंट होता है और यहां पर थर्टी परसेंट जो है ना रिमेनिंग तो क्या होता है जिंक थर्टी परसेंट यहां पर क्या होता है जिंक पाया जाता है आगे देखिए न्यूक्लियस इज द प्लेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ केंद्रिका किसके संश्लेषण का स्थान होती है केंद्रिका किसके संश्लेषण का सिद्धांत होती है आर एम टी कौन से आर एन ए या डी एन ए तो गाईज राइट आंसर क्या कहलाइ आएगा आर आर एन ए देखो ये जो है ना इसको कहा जाता है राइबो स्तोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है मिसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड और यह कह क्या कहलाता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है तो रेड इज यूज एज अ डेंजर सिग्नल बिकॉज लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेतक के तौर पर किया जाता है क्यों तो गाइस इसका राइट आंसर देखिए जो रेड लाइट होती है ये स्कैटर होती है बहुत कम एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये बहुत कम स्कैटर होती है इसलिए रेड को यूज किया जाता है एज अ डेंजर सिग्नल के तौर पर ठीक है नॉन मेटल विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज उच्च गलनांक और क्वनांक वाला एक अधातु है क्लोरीन हाइड्रोजन ब्रोमीन और ग्रेफाइट गाइस, नॉन मेटल में अगर आप देखोगे ना तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ठीक है ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन ये कार्बन का फॉर्म होता है जो कि एक नॉन मेटल कहलाता है ठीक है जो कि एक नॉन मेटल कहलाता है आगे देखिए विच ऑफ द कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द ह्यूमन ब्लड मानव का मानव कौन सा संयोजन मानव रक्त का प्रतिनिधित्व तो करता है ठीक है सो so, आरबीसी तो सब में है लिंफोसाइड सब में है एस्ट्रो क्रॉन्डो इनोफिल और बेसोफिल फोर्थ वाला राइट right आंसर हो जाएगा राइट right जो ये है ना आपके आरबीसी हो गया आरबीसी तो पाया जाता है सब में लिम्फोसाइट पाया जाता है आपके पाए जाते हैं द फ्राइंग पैन इज कोटेड विद ब्लैक सब्सटेंस बिकॉज फ्राइंग पैन काले पदार्थ के साथ लेपित होता है क्योंकि अच्छा एक चीज बताना मुझे एक चीज बताना पता है जो सोशल नेटवर्किंग या सोशल लाइफ होती है वो कैसे होती है कि जैसे मान लो बीच में एक गेट है है ना इधर से कोई दूसरा चिल्ला रहा है इधर से कोई दूसरा चिल्ला रहा है है ना अगर ये गेट हटा दो तो कोई एक दूसरे को पहचानेगा का भी नहीं और भाई साहब अगर आपको जी पर आई बनानी है ना तो ये आपका कुछ प्रूफ नहीं लगता है ना यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं लगता आप किसी के भी नाम से मेल या फीमेल किसी के भी नाम से क्या कर सकते हो आईडी बना सकते हो ठीक है तो अगर आईडी बनाई है तो यार इसका उपयोग कुछ प्रोडक्टिव करो ये क्या फालतू का पंचायत लगा करके बैठे हो तुम लोग है ध्यान रखना एक चीज समय और समझ किसी को एक साथ नहीं मिलती जब समय होता है तब समझ नहीं होती और जब तक समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है तो फिर वही होता है कि अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत समय का यूटिलाइजेशन करो ठीक है समय का यूटिलाइजेशन खुद को बनाने में करो आगे देखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्योंकि जो ब्लैक सब्सटेंस होता है ये हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है राइट जो आपका ब्लैक सब्सटेंस होता है ये हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है इसलिए इनको जो है ना किसमें कर दिया जाता है इसलिए यहां पर जो है तो इनको आ, वो किया जाता है आ, मतलब आ, ब्लैक पोत दिया जाता है और ये विशालवा का तो मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है तुम कब जाओगे विशाल कब भागोगे तुम यहां से कब सिलेक्शन लेकर के जाओगे तुम भगत इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा राइट right आंसर यहां पर कहला जाएगा क्योंकि हीट एब्जॉर्व करते हैं अब अगला क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है विच ऑफ कॉल्ड द किंग ऑफ द एसिड निम्नलिखित में से किस एसिड को किंग ऑफ द एसिड कहा जाता है एसएससी का पैटर्न सेम होता है महेंद्र ठीक है पैटर्न सेम होता है तो इसका सही उत्तर जब आप देखिएगा राइट आंसर आपको क्या मिलेगा सही उत्तर यहां पर आपको मिल जाएगा दिस इज कॉल्ड एज द सल्फ्यूरिक एसिड राइट सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही उत्तर कहला जाएगा ओके okay? आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कप कवर्स द नी वेंट्रली निम्नलिखित में से कौन सा एक कप के आकार की अस्थि है जो घुटने को वेंट्रिकल से कवर करती है राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा पटेला राइट right, पटेला बोन कहलाती है गाइस अपन सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आज के सेशन के और आपकी स्क्रीन पर यह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ रिलेशन फॉर हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन हीट लॉस और हीट गेन के बीच में जो रिलेशन है ये कौन बताता है हमको थर्मल इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ कलर्स प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर प्रिंसिपल ऑफ वेपोराइजेशन तो गाइस यहां तो 500 का टारगेट लेकर के चले थे तीन सौ अंठानवे तक ही अपन पहुंच पाए हैं जो भी नए व्यूवर्स हैं, नए व्यूवर्स गाइस सेशन को जल्दी से लाइक करके अपना अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिए राइट सेशन को लाइक करके अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिए अगर आप चाहते हो कि क्लासेस तक जो है ना एकदम बिल्कुल पर्याप्त इसी स्पीड से चले तो ठीक है अटेंडेंस जरूर मार्क करना सभी लोग अच्छा 396 हो गए घट ही रहा है कोई बात नहीं सो इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा सही उत्तर कहला जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कैलरी मीटर गाइज जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर है ये क्या बोलता है इफ देर इज नो लॉस ऑफ हीट इन सराउंडिंग तो जो टोटल हीट लॉस्ट बाई इक्वल टू द टोटल हीट गेन बाय अ कोल्ड बॉडी यानी हीट लॉस इज इक्वल टू क्या होता है हीट गेन ये हमको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर बताता है आगे देखिए गाई आपसे जो है ना आपसे यहां पर जो पूछा गया है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड तो इसका सही उत्तर आप देखिए CH3COOH ये आपका एसिटिक एसिड कहलाता है गाइस जो C2H5OH है ना इसको अपन क्या बोलते हैं इसको कहा जाता है एथिल एसिड ये आपका एथिल एसिड कहलाता है एच टू ओ फोर को हम क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है सी एस सी एच को क्या कहा जाता है एसिटिक एसिड ठीक है और एच सी डबल ओ एच एच सी डबल ओ एच जो होता है ना दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मल्डिहाइड HCOOH एच सी ओ ओ एच फॉर्मेल डी ठीक है आगे बढ़ते हैं द सेल ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू नर्व हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन बिकॉज दे जो सेल होती हैं एपिथेलियल टिश्यू की इनमें किसी भी तरीके का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता क्यों टेन टू पील ऑफ प्रिवेंट लॉस ऑफ वॉटर है प्रोएक्टिव फंक्शन है सेक्रेटरी फंक्शन अरे हाँ यार थैंक यू ये जो है ना देखो एल्डिहाइड अगर आप देखोगे ना तो क्या होता है एल्डिहाइड एल तो सीएचओ होता है ना सीएचओ होता है एल ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड कहला जाएगा इसको करेक्ट कर लेना गाइस आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक फॉर्मिक एसिड, और जो एच है ना ये आपका फॉर्मेलिटी हाइड हो जाएगा ठीक है ठीक है अभी सही है इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा है प्रोटेक्टिव फंक्शन सुरक्षात्मक कार्य होते हैं जो इपी थेल टिश्यू होता है हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्यों नहीं होता बिकॉज इनमें क्या होता है आपका इनमें अगर आप देखोगे तो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इसलिए इनमें जो है ना तो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं पाया जाता ठीक है तो गाई जैसे अभी आप वाई पर यूट्यूब पर आप देख रहे हो मास्टर यूट्यूब पर आप जैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देख रहे हो राइट फ्री क्लास देख रहे हो इससे वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल well ऑर्गेनाइज आपके एग्जाम वाइज क्लासेस आपको सेलेक्ट मास्टर क्लास में मिल जाती हैं यह भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है राइट right? इसमें कुछ भी आपको पे वगैरह अगर आप सोचो तो नहीं करना होता है फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक का ऐप इंस्टॉल करना है यू हैव टू इंस्टॉल द टेक्स्ट बुक ऐप और टेक्स्ट बुक का ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो है ना आपको यहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी रिमाइंडर वगैरह सेट कर सकते हैं एवरीथिंग फ्री ऑल डे एग्जाम लाइव पोलिंग प्रैक्टिस सेट रिमाइंडर एवरीथिंग ठीक है सो गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था और आज के सेशन को अपन यहीं पर रैप अप करेंगे वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा राइट और लाइक का टारगेट अपन यहां पर कितना लेकर के चले थे फाइव लेकर के चले थे सो वी आर सेवेंटी लेस कोई बात नहीं राइट हाँ, इस, इस क्लास ने अपना टारगेट अचीव नहीं किया तो क्या हुआ आपका टारगेट आपका एग्जाम जरूर निकलना चाहिए राइट ऑल द बेस्ट गाइस तो आज के सेशन में इतना ही अपन जो है ना अगली क्लास में मिलेंगे वीडियो को जो है ना लाइक करके अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन प्रेस कर लीजिए सो देट सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके राइट सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको यहां पर मिल सके और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अगर आप जो है ना वीडियो की प्रॉपर लिंक वगैरह पीडीएफ वगैरह ये सब चाहते हो तो आप इस मेरे मेरे इस टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल में आपको सारे के सारे मेरे सेशन की क्या मिल जाएगी पी वगैरह मिल जाएंगी ओके गाइज तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग आज की क्लास में इतना ही टेक केयर कल मिलेंगे शाम को छ बजे टेक केयर बैव अ ग्रेट डे गुड नाइट ऑल